टेनंट व्हेरिफिकेशन ऍक्ट म्हणजेच भाडेकडू पडताळणी कायदा सरकारच्या विचाराधीन आहे. गोवा पोलीस खात्याने हा कायदा करण्याबाबत शिफारस केली असल्याची माहिती पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग यांनी दिली. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर जर कोणा घरमालकाने त्याच्या घरात भाड्याने राहणाऱ्या परराज्यातील भाडेकरूची माहिती न दिल्यास पोलीस त्यांच्यावर थेट कारवाई करू शकणार असल्याचं सिंग यांनी सांगितलं. गोव्यात परराज्यातील त्याचप्रमाणे विदेशी लोक मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करतात. ते इथं भाड्यानं राहतात. अनेक घरमालक या अशा भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना देत नाहीत. वारंवार सांगूनही त्यांच्याकडे कानाडोळा करतात. अशाच माहिती नसलेल्या लोकांचा नंतर राज्यातील गुन्ह्यांमध्ये सहभाग आढळतो. आता गोवा पोलिसांनी जे घरमालक भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना देत नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी यासाठी पावलं उचलली आहेत. गोवा पोलिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन ऍक्ट म्हणजेच भाडेकरू पडताळणी कायदा अस्तित्वात यावा यासाठी सरकारकडे मागणी केली आहे. पोलिसांच्या मागणीप्रमाणे कायदा करण्यासाठी गोवा सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग यांनी गोवन वार्ता लाईव्हशी बोलताना सांगितलं. गोवा पुलिस भी बार बार कहती है कि आपके जो रूम को भाड़े में रखते हैं उनकी आप ये करो कि पुलिस को इन्फॉर्म करो. तो आपने पिछले बार भी बोला था कुछ दिनों पहले, उसको सर लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया? लोग बता रहे कि अपने घर में कौन रह रहा है वैसे? इसमें देखिए अभी तक हम तकरीबन जनवरी से लेकर अब तक 37,000 के करीब जो टेनेंट्स हैं उनके फॉर्म भर चुके हैं और उनके जो नेबरिंग उनका जो ओरिजिनल रेजिडेंट पुलिस स्टेशन है उनको ये पेपर्स भेजे गए हैं. लेकिन सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये रहता है कि एक मानसिक दबाव रहता है जिसका आपने फॉर्म भर लिया, उसकी फ़ोटो अपने पास ले ली या उसका कोई पहचान पत्र आपने अपने रिकॉर्ड में रख लिया, तो उनके ऊपर एक मानसिक दबाव रहता है कि उसको अपना कंडक्ट सही रखना है. और इसको लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किया है इस इनिशिएटिव को. और एक इसमें एक्ट का भी प्रपोजल गया हुआ है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ गोवा को, और वो भी अभी सरकार के विचाराधीन है कि टेनेंट वेरिफिकेशन एक्ट होना चाहिए. क्योंकि अभी अगर कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ हम 188 सेक्शन IPC का केस दर्ज करते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आती है. क्योंकि उसमें फिर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रोसिक्यूशन सेंक्शन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उसमें चलान कर सकते हैं. अगर इसमें एक्ट पास हो जाएगा तो ये अपने आप में ही एक ऑर्गेनाइजेबल इंडिपेंडेंट ऑफेंस डिक्लेयर हो जाएगा जिसमें पुलिस को किसी भी अन्य अथॉरिटी से इसमें प्रोसिक्यूशन सेंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह के दूसरे अपराधों में होता है. और हम फॉलो अप कर रहे हैं निरंतर सरकार के साथ. गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी अच्छा है सर वो एक्ट लाने के लिए? आपको क्या वो देखिए सरकार पे निर्भर करता है. okay. सरकार इसको किस एंगल से देखती है, बट एज ए क्राइम प्रिवेंशन टूल कोई भी अगर व्यक्ति किसी जगह बाहर से आता है तो जो अथॉरिटीज़ हैं क्राइम प्रिवेंशन अथॉरिटीज़ हैं उनको उसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम होना चाहिए. वैसे ये संविधानिक राइट है हर व्यक्ति का कि वो किसी भी जगह भारत में जाके सेटल हो सकता है. पर अगर हम इसमें किसी टेनेंट का सत्यापन करा लेते हैं तो उससे वहाँ पर एक सुरक्षा का माहौल पैदा. जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत साधारण 36,000 भाडेकरूंचं टेनंट व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यांच्या मूळ रहिवासी क्षेत्रातील पोलीस स्टेशन्समध्ये त्याबाबतची माहितीही देण्यात आली आहे. चीफ रिपोर्टर विश्वनाथ देणे, गोवन वार्ता लाईव्ह, पणजी. जो हमारी फॉरेनर्स ब्रांच है उसने 103 फॉरेनर्स को डिपोर्ट किया है और कुछ लोग ऑलरेडी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा डिटेंशन सेंटर चलाया जा रहा है कुछ लोग अभी वहाँ पर वेटिंग डिपोर्टेशन है. इसी प्रक्रिया के दौरान हमने पीछे देखा कि कुछ बांग्लादेशी भी हमने आइडेंटिफाई किए और उसमें ये देखा गया कि ज़्यादातर लोग जो हैं रोज़गार की तलाश में वो आते हैं, पर्टिकुलरली जो स्क्रैप डीलर्स का काम करते हैं अलग अलग नेशनैलिटीज़ के हुए हैं. और उनमें भी जो प्रक्रिया है डिपोर्टेशन की चालू करती है.